खुश रहो बाबू खुश रहो। बाय पापा। बाय। चलिए भैया। दो ही लोग हैं क्या? हाँ दो ही लोग हैं, दो ही लोग। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। बाबू क्या खा रही हो? चिंचिन। चिंचिन नहीं चना। चना। चना कौन खिला रहा है? नौम्या। इसकी नौम्या मौसी आई हुई है और वही चना खिला रही है इसको। कैसा है बेटा? बाबू भी नाव कर लिया। और ये कैसा कर दिया? कपिया सही कर लो अपना। मौसी से कह दो कपिया सही कर दे। तो गाइज हम लोग चना बना खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। थोड़ा सा देर हो गया है, सब लोग थोड़ा देर से उठे हैं और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मेरा शक्ल देख के शायद आप लोग को लग भी रहा हो। और हम तो चले गए थे अपने घर, मतलब मायके, और आए हैं कल रात में और आज फिर चले जाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और कहते हैं ना जब परेशानी आती ना सारे चारों तरफ से एक साथ ही आ जाती है, तो बस वही कुछ चल रहा है। और घर पे भी काम चल रहा है जैसा आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, तो अभी दिखाएंगे कितना काम हुआ है। और हमारे पांडे जी भी उसी में परेशान है बेचारे, दिन भर लगे हुए हैं, दुबले हो जा रहे हैं इसी चक्कर में, है ना बाबू? क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे ना, मिस्त्री लोग जो होते हैं ये काम करते हैं, जो लेबर लोग, इन लोग के साथ ना बड़ा दिक्कत है कि मतलब एकदम साथ में लगना पड़ता है काम करवाने के लिए, चीजों को देखने के लिए, तभी जा करके कुछ सही तरीके से ये लोग करते हैं। बाबू चना अच्छा है, चलिए इनको भी बोलते हैं खाने के लिए और आप लोग को दिखाते हैं कितना काम हुआ है। आप भी बना रहे हैं क्या? हाँ बनाएंगे, जब तक लगेंगे नहीं तब तक सही से कैसे बनेगा, कहीं गलती हो गई तो। अच्छा बना नहीं रहे, अरे कहीं कहीं जा जरूर पड़ता है वहाँ पर, थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं। आइए दिखाते हैं कहाँ तक हुआ है। यहाँ का जो दीवार है वहाँ तक उठ गया है और ये देखिए मेरे ख्याल से दीवार सारा उठ गया ना। थोड़ा सा यहाँ बाकी इधर पीछे साइड में उठ गए यहाँ पर, जैसे इधर वाला यहाँ वाला उठा जाए उतना ऊंचा, इसी जैसा इधर वाला। अच्छा अच्छा आज दो एक, कल शायद दो लोग लगे थे ना, कितने लोग थे? तीन चार लोग थे। सबसे टिपिकल काम आज हुआ ना। अच्छा तो बहुत जने रहेंगे तुम्हारा माथा घूम जाएगा। अरे बाप रे, तो इसलिए एक ही लोग को बुलाया था, समझ समझ चीज को बनवाना। अच्छा बिना हर चीज अपने हाथ से ही खाना चाहती है ये, अपना लो खाना नहीं चाहती हो तुम बेटा, तुम गिराना चाहती हो सिर्फ। क्या कर रही हो इसमें बदमाशी कर रही हो, बहुत बदमाशी करती है। एक तो ना इसके साथ थोड़ा सा, इसके साथ क्या सारे बच्चों के साथ होता है, थोड़ा लगना पड़ता है तो इसके साथ भी पूरा टाइम दो। फिर अकेले होने की वजह से ना इतनी दिक्कत हो जाती है, उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। और हम तो गए थे अपने घर पे ऐसे ही, मतलब मार्केट जाना था तो बस चले गए थे कुछ काम से, फिर तबीयत नहीं ठीक थी, फिर सब लोग बोले कि रुक जाओ, डॉक्टर को भी दिखाया वहाँ पे, तो डॉक्टर बोले कोई दिख, यहाँ पे मेरे दर्द हो रहा था एक्चुअली, तो डॉक्टर को दिखाया, खैर एक्सरे वैक्सरे करा लिए डॉक्टर, बट कुछ निकला तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मतलब एक हफ्ते प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए ना, और दवा दिए हैं तो बोले दवा खाते रहो बाकी ठीक हो जाएगा और थोड़ा रेस्ट कर लो। तो घर पे भी सब लोग बोले कि रुक जाओ रेस्ट कर लो, क्योंकि वहाँ यहाँ पे अकेले होने की वजह से ना आश्वी के पीछे बहुत भागना पड़ता है। अब देखिए ऐसे बदमाशी कर रही है, दौड़ना रहता है बिल्कुल इसके पीछे, फिर साथ में खाना पीना सब कुछ अकेले देखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा लोड पड़ जाता है। घर पे सब लोग बोले कि रुक जाओ रेस्ट कर लो थोड़ा, तो रुक गए, लेकिन ये वीडियो जो है ना ये छूट जा रहा था, यहाँ का काम भी नहीं हो पा रहा था। और आश्वी के पापा उसी में लगे हुए थे, वो भी बिल्कुल वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो कल शाम को कल रात में हम आ गए यहाँ पे, सौम्या को भी साथ में लेके। हाँ बेटा बाबू तुम्हारा कपड़ा कैसा हो गया है, आओ सही कर दे, आओ सही कर दे। तो मेरे साथ सौम्या भी आई है, आज शाम को फिर हम लोग चले जाएंगे क्योंकि अकेले थोड़ा दिक्कत हो जाता, इसकी वजह से वो भी आई है मेरे साथ में। और फिर अभी हम लोग चना वना खा ले रहे हैं, फिर लंच वंच करके और फिर घर चले जाएंगे और ये वीडियो भी बन जाएगा। इतनी सारी दिक्कतें हैं ना, इतनी सारी दिक्कतें हो जाती ना कभी कभी ऐसे।
बच्चों के साथ आप लोग जा नहीं रहे ना, रेस्ट नहीं मिल पाता बिल्कुल, एकदम दौड़ना ही रहता है पीछे 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 पीछे। जबकि ये कोई बहुत ज्यादा नहीं परेशान करती है ऐसा वाला नहीं, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ना, कहीं कुछ गिरा रही कहीं कुछ गिरा रही, तो बिल्कुल दौड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसीलिए घर पे रुक गए हैं वहां मायके में, और फिर आज चले जाएंगे। बाकी यहाँ का काम देखिए कब तक होता है। एक तो ये सारा काम भी ना इतना, मतलब क्या ही बोले कि जब तक खुद ना लगो ना तब तक अच्छे से हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ बिगाड़ के रख ही देते हैं लेबर लोग, मिस्त्री लोग, तो इनको भी पूरा दिन वहीं पे देना पड़ता है अपना। और वैसे ये काम तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, लगभग 15 दिन पहले, लेकिन बीच बीच में ना रुक रुक के काम करवाना पड़ रहा है टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि इनको अपना काम भी करना है, प्लस जब वो पकड़ेंगे आश्वी को तो फिर कुछ खाना वाना बनता है, तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कत, फिर इनको जाना रहता है अपना काम करना रहता है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है बीच बीच में बनवाते रहते हैं, इसी वजह से टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो इधर तो रेगुलर खैर हो रहा है, देखिए हम लोग भी चाह रहे हैं जितना जल्दी हो जाए काम अच्छा ही है, दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस खाना पीना भी बना ही लिया है, सब्जी ये देखिए बन गई है, हरी सरपुतिया की सब्जी बना रहे हैं, और दाल भी बन गया है, बस चावल बनाना है क्योंकि रोटी नहीं बनाएंगे, बस तबीयत ठीक नहीं है इसी की वजह से, बाकी सब लोग रोटी खा लें, चावल दाल सब्जी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नौमिया से लगवा रही हो, अच्छे से लगवाओ, आओ इधर, एक सेकंड रुकना नहीं होता, अच्छे से लगवाओ, क्या लगा रही हो बेटा, पोछे वहां भी छूट रहा है, दाल पी लो, अच्छे से पी लेना, गिराना नहीं, एक जगह बैठ के एक जगह रुक जाओ, दौड़ती रहती हो। बाबू तेल कौन लगाया है, दादी। अच्छा दादी, अच्छा पी लो पी लो, बाबू अच्छा है, अच्छे से पी लो, कर क्या रही हो तुम, बाबू बेडशीट लगा हुआ है, तुम बाबू खराब कर रही हो, लगा नहीं रही हो खराब कर रही हो, चारों तरफ दौड़ दौड़ के लगाना है इसको बड़ा मजा आता है बेडशीट ऐसे लगाने में, एक साइड जाएगी थोड़ा हटो, एक साइड जाएगी खींच देगी, दूसरे साइड जाएगी फिर खींच देगी, इक्वल ही नहीं हो पाता है ये देखिए खाना खाने के लिए भी इतना सज रहे हैं, मतलब खाना खाने के लिए नहीं, हर समय मटिया मिल रहे हैं, बालू सीमेंट, और हाथ धोते धोते एकदम से हाथ पतला हो जा रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि हर समय हाथ में चमक रहा है, इतना धुलाई करना पड़ रहा है इनको, देखिए क्या बेटा, अरे बेटा तुम पहला से चम्मच लेके दौड़ रही हो, बहुत देर से हम मेरे साथ खाना लगाने के लिए सारा बर्तन ले आके रखती है ना, चलो अब लंच करो, हेल्प कर रही है अभी, सारा ये चम्मच सरिया दी है, और बार बार जब भी सरियाती है तो हम लोग को दिखाती है, बाबू बहुत सुंदर सजा है बेटा, बहुत सुंदर, वेरी गुड बाबू चलो लंच कर लिया जाए, बाबू चलो जल्दी फास्ट फास्ट, कम 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 आओ, कम अब ऊपर आएगा बाबू, ऊपर ऊपर कम, चलो ऊपर चलो आओ, आओ लंच टाइम, चलो लंच टाइम बेटा, बाबू लंच टाइम, कपड़े वपड़े थोड़े रख ले, पिछली बार ना हम गए थे तो जाने के इंटेंशन, मतलब रुकने के इंटेंशन से गए नहीं थे, जैसा कि आप लोगों को बताया ही है तबीयत खराब थी, फिर रेस्ट वगैरह, तो अभी ये कल आ गए हैं तो एक काम सोचे ये भी कर लेते हैं, वैसे तो ब्लॉग बनाने के लिए ही आए थे स्पेशली, क्योंकि इनको बिल्कुल 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 टाइम नहीं मिल पा रहा है, देखिए शक्ल देखिए अभी तक नहाए नहीं है, शाम को जाके नहाते हैं, गंदे हो जाएंगे तो शाम को ही नहाएंगे ना, वरना दो दो तीन दिन बाद नहाना पड़ जाएगा मुझे, अभी लंच टाइम हुआ है तो 2 मिनट 4 मिनट का बस टाइम मिलता है लंच करने के बाद, तो हम सोचे थोड़ा कुछ सामान अब लेते जाए, कुछ कपड़े वपड़े, पिछली बार कोई कपड़ा वपड़ा लेके नहीं गए थे, इनसे एक दो सेट मंगाए थे, और इन लोग का तो आप लोग जानते ही है, कहो सूट ये वाला तो दुपट्टा कुछ और रहेगा, पैंट कुछ और रहेगा, तो कपड़ा वो भी दो चार लेते जाए, क्योंकि कुछ दिन तो रुकेंगे अब जा रहे हैं, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा तभी आएंगे, खैर बहुत 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 दिक्कत चल रहा है इस टाइम, बस ऐसा मन कर रहा है ना कि काम ही बंद कर दे, एकदम रोहन जी हो गया है काम करवाते करवाते ऐसे मतलब लग रहा है ना कि जैसे डेली हमारे वहाँ शादी का जैसे फंक्शन होता है ना, इतना व्यस्तता रहती है, वैसा है वो जा रहा नहीं, है जैसे अगर सिर्फ काम करवाना बात ये नहीं है, सबके घर में काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ गई ना, जैसे तबियत मेरा, फिर इनको अपना काम रोक रोक के ये काम करवाना पड़ रहा है, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, वीडियो भी इसीलिए नहीं बन पा रहा है, अब
इसको अगर पकड़ेंगे तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाता है, वीडियो बनाएंगे तब तक ये भागेगी कुछ करेगी, तो इसको पकड़ो फिर दिक्कत हो जाता है। मतलब हर एक पॉइंट पर स्ट्रगल का पॉइंट बना हुआ है। अभी हम लोग का बहुत ही बड़ा वाला स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, बहुत बड़ा वाला भैया, मूड खराब हो गया, हालत खराब हो गया। खैर ये सब तो होता रहेगा, बस अब जल्दी से काम हो जाए। होता नहीं रहेगा, मतलब कभी खत्म भी तो होना चाहिए। मतलब ये जल्दी से जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। तो अब हम लोग भी चल रहे हैं घर, क्योंकि अब फिर थक गए, जाएंगे घर पे और पैकिंग वैकिंग जल्दी से कर लेते हैं। इनको भी खाना वाना खिला दिए हैं बेचारे। फिर से जाएंगे ये अपने काम पे, फिर जाएंगे और हम लोग चले जाएंगे घर पे। और आशमी भी जाएगी नानी के घर, है ना बाबू? पानी भी उतना नहीं पी पा रहा है, ऐसे लग रहा है रोज मेरा नीराजल व्रत हो जा रहा है पूरा। कभी कभी मौका मिल पा रहा है, क्योंकि हर समय वहां पर हर पॉइंट पे रहो, बताओ, समझो, समझाओ, तब तो काम हो पाएगा, नहीं तो अगर ना रहे तो काम भी गलत हो जाएगा, फिर चलो उसमें जूझो, फिर सही कराओ। टाइम लग रहा है, इसी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है काम को पूरा होने में। काम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइम इसी उसके की सारी चीजों को देखते हुए, प्लस उन लोग को जब टाइम दो ना, तो 24 घंटा उन लोग के पास लगाना पड़ा। अब जहाँ बन रहा है वहाँ पे हम लोग सोचे थे नहीं कभी कि वहाँ भी कुछ ऐसा बनवाएंगे हम लोग, तो अब वहाँ पे उसी हिसाब से सेट करवा रहे हैं, तो जो नहीं होना चाहिए वो वहाँ पर अगर होगा तो उसको थोड़ा सा पूरा हम लोग सेट करवा के ही बनवाना पड़ेगा ना। हाँ पापा, पापा, पापा ले बाबू। खैर ठीक है, चलते हैं फिर बाबू। सच्ची अरे बाबी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस बेटा बस, हो गया हो गया हो गया हो गया।